صلي وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. قابل صد احترام برادران اسلام, میں آپ سب حضرات کی خدمت میں ہدیہ سلام و نیاز پیش کرتا ہوں, اور اس کے بعد یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے یہاں حاضر ہونے پر آپ نے جس عقیدت اور محبت اور شفقت کے ساتھ میرا والہانہ استقبال کیا اور میری تقریروں میں ذوق اور شوق کے ساتھ شریک ہوتے رہے اور میری عزت افزائی فرمائی, میں اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کے لیے دعائیں کرتا ہوں, اور آپ حضرات کے اس جذبہ اسلامی اور اس جذبہ اخوت و محبت کی قدر کرتا ہوں کہ بلا شبہ آپ لائق صد تحسین ہیں. دبئی میں اور ابو ظہبی میں جتنے بھی اجتماعات ہوئے ہیں, مجھے دوستوں نے بتایا ہے کہ اس قسم کے اجتماعات اس سے پہلے یہاں نہیں ہوئے, خصوصاً مذہبی جلسوں میں جن کا انتظام چند دنوں میں کیا گیا اور پوری طرح ایڈورٹائز نہیں ہو سکی, پھر بھی لوگ دور دور سے ذوق شوق سے تشریف لائے اور انہوں نے اپنی عقیدت و محبت اور جذبات اسلامی کا مظاہرہ فرمایا. میرے بزرگوں اور دوستوں, آپ میرے ساتھ جس عقیدت اور محبت کا سلوک فرما رہے ہیں, ذرا غور فرمائیے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. میرا آپ کے ساتھ کوئی جسمانی رشتہ نہیں ہے, میرا آپ کے ساتھ ایمانی اور روحانی رشتہ ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ ایمانی روحانی اور اسلامی رشتہ جسمانی رشتوں سے بہت بلند ہے. جسمانی رشتے کی بنیاد خون ہوتا ہے, اور اسلامی اور ایمانی رشتے کی بنیاد اللہ اور اللہ کا رسول ہے. اور آپ یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول کو
खून से बहुत बुलंद तसव्वुर करेंगे और ये हमारा रिश्ता और हमारे दरमियान जो अखुव्वत मोहब्बत है ये अब पैदा नहीं हुई बल्कि ये बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? 100 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है? नहीं। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रूहें आलम अजसाम में आने से पहले लश्करों के लश्कर आलम अरवाह में थी और जिन रूहों की वहां आपस में मोहब्बत थी उन्हीं की यहां मोहब्बत और जिनकी वहां मोहब्बत नहीं थी उनकी यहां भी नहीं होगी। तो आपके साथ जो मेरी मोहब्बत है या हम सब की आपस में जो अखुव्वत और मोहब्बत है ये तो आलम अरवा से, ये बड़ी पुरानी मोहब्बत है जिसका मुजाहिरा अब हुआ और जिनके साथ हमारी मोहब्बत नहीं है मालूम हुआ उनके साथ भी ये जुदाई और ये इख्तिलाफ और ये मोहब्बत का ना होना ये भी कोई नई बात नहीं, ये भी बहुत पुरानी बात है। जब वहां इनसे हमारी मोहब्बत नहीं हुई तो यहां कैसे हो सकती है? ये वहां भी हमसे अलग रहे, यहां भी अलग है और हम अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी एक थे यहां भी एक। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ने क्या फरमाया, हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत होने की वजह से खैरुल उमम के लकब से नवाजे गए और अल्लाह ने फरमाया कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरेजत लिन्नास, तुम्हें निकाला गया है, मारज़े वजूद में लाया गया है लोगों के वास्ते। ये बात बड़ी काबिले गौर है। देखिए हमारी तखलीक का मकसद और हमारे खैरुल उमम होने का बाइस अल्लाह ने क्या फरमाया, उखरे जतलिन्नास, कि तुम्हें बनी नौ इंसान की भलाई के लिए दुनिया इंसान की फला और बहबूद के लिए मारदे वजूद में लाया गया। जहां तक अपना अपने अजीजों और अपने कुनबे का ताल्लुक होता है अपनों का तो सभी ख्याल रखते हैं, अपने अजीजों अपने दोस्तों और अपने कुनबे का तो सभी ख्याल रखते हैं लेकिन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत है और ये एक इम्तियाज है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज अपने मफाद के लिए मारते वजूद में नहीं आई बल्कि अल्लाह फरमाता है उखरे जत लिन्नास, तुम्हें दुनिया इंसानियत की भलाई और फलाह के लिए मारते वजूद में लाया गया। तो हमारा मनसब क्या है कि हम दुनिया इंसानियत को भलाई का सबक दें, हम बनी नौ इंसान को अमनो सलामती का पैगाम दें और खुदा की कसम अमनो सलामती का पैगाम दिया है और दुनिया इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए अगर किसी ने काम किया है तालीम दी है तो वो एक हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमनो सलामती का सबक दिया
हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात और हिदायत पर अमल करने से ही दुनिया में अमन और सलामती कायम हो सकती है और सबकी जान माल और इज्जत आबरू की हिफाजत हो सकती है। दर बदर की ठोकरें खा के देख ले, ये अमन और सलामती के अलंबरदार चारों तरफ धिक्के खाएं, दर बदर की ठोकरें खाएं, मुख्तलिफ निजामों पर अमल करें, मगर ये अमन और सलामती कायम नहीं कर सकते, इसलिए कि इनके पास जो निजाम है वो इंसानों पे बनाए हुए हैं जिनमें आए दिन तरमीमात होती रहती है। और हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस निजाम को लेकर आए वो किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, वो खालिक फितरत अल्लाह ताला का बनाया हुआ। तो अगर दुनिया इंसानियत की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत हो सकती है, तो उसी सूरत में जबकि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के लाए हुए निजाम को अपनाएं और उस पर ठीक ठीक अमल करें और अपने अखलाक और अपने किरदार को संवारें और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक बनाएं और लोगों के वास्ते नमूना बन जाएं और लोगों को ये बता दें कि लोगों अगर इस दुनिया को सलामती की जन्नत बनाना चाहते हो और अगर तुम वाकई अमन और सलामती के अलंबरदार हो और तुम्हारा मकसद है कि सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत हो, तो वो उस सूरत में हो सकती है जबकि तुम हमारे आका के दामन से वाबस्ता हो जाओ। हमारे आका से दूर रहकर, हमारे आका की तालीमात से हटकर तुम दुनिया में अमन और सलामती कायम नहीं कर सकते, सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं कर सकते। अब मैं एक बात आपकी खिदमत में खादिमाना तौर पर अर्ज करता हूं कि हम मुसलमान अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हिदायात पर अमल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हम पर ये लाजिम है बैसियत मुसलमान होने के, हमारा ये फरीदा है कि हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक सबसे पहले खुद जिंदगी बसर करें और लोगों के वास्ते नमूना बने और उसके बाद लोगों को उसी तालीमात और उसी हिदायत के मुताबिक जिंदगी बसर करने के वास्ते कहें। तो मैं आपकी खिदमत में बड़े अदब के साथ ये दरख्वास्त करूंगा कि आप यहां रहते हुए अपने अखलाक और अपने किरदार को इस्लामी सांचे में ढालें और इस्लामी तालीमात के मुताबिक जाहिर करें। शराफत, दयानत और ईमानदारी को अपना शियार बनाएं, इससे आपकी आकिबत भी संवरेगी, आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करेंगे, आपकी इज्जत होगी, आपका वकार होगा और आपके मुल्क अजीज पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का वकार भी बुलंद होगा। देखने वाले कहेंगे कि पाकिस्तान के मुसलमान दयानत, सदाकत और अखलाक व किरदार का पैकर हैं, तो अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करें और सदाकत को और अमानत को अपना शियार बनाएं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का अपने आप को गुलाम बनाएं, उनकी तालीमात और हिदायात के मुताबिक अमल करें और दूसरों के वास्ते अमल का सबब बने, दूसरों के वास्ते आप सबक और इबरत का बाइस बने कि लोग आपको देखकर सबक हासिल करें और इबरत हासिल करें। इसके बाद मैं आप हजरात का कलम की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी इज्जत अफजाई फरमाई, मेरी तकरीरों में
बड़े शौक शौक से तशरीफ लाते रहे, मुझे यहाँ इस्तकबालिया दिया है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं आप हजरात का एक अदना खादिम हूँ। मुझे ये शर्फ और फख्र है, मैं आप पर फख्र करता हुआ कहता हूँ कि मुझे आप पर फख्र है, मैंने यहाँ हाजिर होकर आपकी जिस अकीदत और मोहब्बत को देखा है मैं उस पर फख्र करता हूँ, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान जाकर अपनी मजलिसों में उसका तज़किरा भी करूँ। तो आपने इस खादिम की जो इज्जत अफजाई फरमाई है, इस्तकबालिया वगैरह दिया है और अपना कीमती वक्त सर्व किया है, यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके लिए नेक दुआएं करता हूँ। खुसूसन हमारे के नेशनल वाले जिन्होंने मेरी पूरी तकरीर की एक फिल्म तैयार की और इस वक्त भी ये तशरीफ लाए हैं और इस इस्तकबालिये की भी फिल्म तैयार कर रहे हैं। मैं अपने इन भाइयों का और खुसूसन अपने दोस्त जनाब साबरी साहब का और अबू साहबी के तमाम अहबाब, खुसूसन अपने बुजुर्ग हजरत किबला सैयद हाशिम रजा साहब और हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम रसूल साहब और दीगर उलमाए किराम, जिन सब का मैं नाम नहीं जानता, हजरत मौलाना अबुल खैर साहब तशरीफ फरमा है, इसी तरह अबू जहबी के हमारे मोहतरम दोस्त यहाँ तशरीफ फरमा है, आप सब हजरा जिन्होंने मुझे सिपासनामा पेश किया और मेरे साथ हकीकत व मोहब्बत का मुजाहरा किया, मेरी इज्जत अफजाई फरमाई, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और सबके लिए दुआएं करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आपको शाद और आबाद रखे और अल्लाह तबारक व ताला सारे आलम इस्लाम पर अपना रहम और करम फरमाए। ये जो मुत्तहिदा इमारात, ये जो चंद मकामात हैं, मुझे सब मकामात पर हाजिर होने का शरफ हासिल नहीं हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ मैंने अपने दोस्तों को अपने ऊपर मुशफिक पाया और उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत अफजाई फरमाई। मैं उन दोस्तों के लिए भी और इन शहरों के लिए और इन मकामात के लिए और यहाँ के तमाम मुसलमान बाशिंदों के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इनको भी अपने करम के साए में रखे और इनको अपनी रहमतों से नवाजे। सारे आलम इस्लाम पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। अफगानिस्तान में हमारे मुसलमान भाई जो दुश्मनों से बरसर पैकार हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाए और उनको कामयाबियों से नवाजे। जिन मुल्कों में मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और वो आपस में लड़ना छोड़ दें और इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहें, वो आपस में एक दूसरे के साथ न लड़ें बल्कि कुफर और काफिरों के मुकाबले में बरसरे पैकार हो जाएं, मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो और इस्लाम के परचम को बुलंद करें। आप दुआ कीजिए पाकिस्तान में सदर मोहतरम जनाब जियाउल हक साहब इस वक्त इस्लामी कानून के निफाज की मुखलिसाना कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मुझे भी चंद मरतबा उन मजलिसों में शरीक होने का इत्तेफाक हुआ जिन मजलिसों को उन्होंने इस गरज के लिए बुलाया। उलमा कन्वेंशन हुए, मशायख कन्वेंशन हुए, उसके अलावा हमारी उनसे ज़ाती तौर पर मुलाकातें हुईं। मुझे कोई उनसे तनख्वाह नहीं मिलती, मुझे आप किसी तरह भी हुकूमत का कोई पिट्ठू वगैरह न तसव्वुर करें, मुझे कोई पैसा
नहीं दिया गया कि मैं पाकिस्तान की या सदर मोहतरम की आपके सामने तारीफ करूं या प्रोपगंडा करूं। नहीं, मैं खुदा की कसम अपने कल्बी जज्बात का मुजाहिरा करते हुए ये कहता हूं कि जहां तक मैंने अंदाजा किया है और उनको देखा है, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान में इस्लामी कानून के अल्फाज में मुखलिस हैं, भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, मगर उनकी राह में बड़ी रुकावटें हायल हैं। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह उन रुकावटों को दूर करे और पाकिस्तान जिस मकसद के वास्ते बनाया गया था वो मकसद पूरा हो और पाकिस्तान में सही मानों में इस्लाम का कानून नाफिज हो, निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाद हो और मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ्फुज़ हो। इस सिलसिले में हम सब का फर्ज है कि हम तआवुन करें ताकि इस्लाम के बनाने का जो मकसद है वो हासिल हो जाए और इस्लाम के कानून का निफाज अमल में आ जाए। मैं एक बार फिर आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब के लिए दुआएं करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला आपको दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमाए और शाद और आबाद रखे। और आपसे ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआएं फरमाएं, मैं आपका भाई हूँ, आपका खादिम हूँ, अकीदत के साथ और पाकीदा जज्बात के साथ यहाँ हाजिर हुआ हूँ और आपके सलूक से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आपने मेरे साथ बड़ा मुशफिकाना सलूक फरमाया है, मैं उसको कभी फरामोश नहीं कर सकता, मैं इंशाअल्लाह हमेशा उसको याद रखूँगा और हमेशा आप हजरात के लिए दुआएं करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेहमान खुसूसी जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफी उपाड़वी साहब ने हम सब के बारे में जिन ख्यालात का इजहार फरमाया है, अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से उनकी ज़ुबान को मुबारक फरमाए और जिन ख्यालात का इजहार या हुस्ने ज़न का इजहार उन्होंने हमारे बारे में फरमाया है, अल्लाह ताला को हमारे हक में मुबारक। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम है कि इतने मुख्तसर से वक्त में इतना वसी प्रोग्राम जो है वो पाया तकमील तक पहुंच गया है, हर जगह माशाल्लाह अहबाब ने तामन किया है, तो खलीज टाइम वालों ने भी तामन किया, गल्फ़ न्यूज़ वालों ने भी तामन किया और खसूसी तौर पर हमारे इकबाल हुसैन लखवेरा साहब हैं जो रोज़नामा जंग के यहाँ पर नुमाइंदा हैं, वो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बाकायदा रिपोर्टिंग की है जहाँ जहाँ मौलाना साहब तशरीफ़ ले गए। अब वो यानी हफ्तावार मकतूब जो भेजते हैं उसमें मौलाना साहब के दौरा यूएई की पूरी तफसील जो है वो देंगे। तो मैं अपनी तरफ से साबरी साहब जनरल मैनेजर नेशनल उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर तरीके से हमारा तावन फरमाया कि मस्जिद में तकरीर है तो सबसे पहले लाउड स्पीकर वगैरह चेक कराए और स्पेयर लाउड स्पीकर भेजा, मौलाना साहब की तकरीर की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में उन्होंने बड़ा तावन फरमाया, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब हजरात की खिदमत में मैं अपील करूँगा कि मसलन वो बाहर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं खाने वाली, तो जो जो अहबाब मसलन तो अब जलसे का आज रात जामिया मस्जिद करामा पार्क दुबई में ईशा की नमाज के बाद हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ काजी साहब का बयान होगा। अब मैं अपने मेहमान मोहतरम शुक्र ये तमाम मंजिलें बहुत खूबसूरती के साथ हुई और
حجاز کی تقریریں ہوئیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی سبق آموز تقریریں تھی. مجھے خود ذاتی طور پر افسوس ہے کہ میں سات دنوں میں اپنی کچھ نجی مصروفیات اور پریشانیوں کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا اور میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن مجبور رہ گیا. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کبھی وقت ہوگا تو مولانا کی خدمت زیادہ کر سکوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جذبے کو قائم رکھ اور ہم سب کی ہدایت فرما ہمارے گناہ معاف فرما دے ہماری ہدایت فرما یا اللہ تعالیٰ ہمیں سب پیارے دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر. یا اللہ تعالیٰ سرکار کی توجہ نصیب کر. یہاں حاضر ہیں جن لوگوں نے ان مجالس میں شرکت کی ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کو صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. یا اللہ تعالیٰ یہ ساری مشکلیں تیرے حبیب کے واسطے ہوئی ہیں اور انہی کی محبت میں یہ تب سب کے سب تمام پریشانیاں اٹھا کر کے اپنا وقت قیمتی وقت نکال کر کے حاضر ہوئے ہیں. جہاں جہاں یہ حاضر ہوئے جہاں جہاں یہ حاضر ہوں ان کی حاضری کو قبول کرنا ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں جو یہ جانتے ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں جو یہ مانگنا چاہتے ہیں کہہ نہیں سکتے. یہ اللہ کی یہ دعائیں قبول کرنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى. صلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. نعرہ